कहलगांव थाना रोड स्थित एक होटल के मैरिज हॉल में बाल बालाओं के साथ कुछ लोग शराब और डांस पार्टी कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी सह कहलगांव थाना अध्यक्ष अभिनव ने कार्रवाई करते हुए अपने पुलिस बल के साथ होटल में रेड किया, जहां से 18 पुरुष और 3 महिला डांसर्स को शराब पार्टी करते हुए डीजे की धुन में डांस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मैरिज हॉल से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की खाली बोतल, शराब युक्त बोतल, बियर, मोबाइल और डीजे सिस्टम जब्त किया है। मामले को लेकर कहलगांव के एएसपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, एक व्यक्ति जो होटल के मालिक है और होटल के संचालक मयंक कुमार फरार हो गया है। गिरफ्तार लोगों में मुन्ना शेख, प्रीतम कुमार शर्मा, मोहम्मद गुलफाज, गौरव शर्मा, पंकज शाह, ये सभी लोग कहलगांव शहर की काजीपुरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमसाद, गौतम कुमार, सोनू कुमार, चंदन कुमार, राजकुमार सोनी, ये सभी शहर के पूरब टोला के रहने वाले हैं। इसके अलावा संजय कुमार मंडल, गौतम कुमार, ये दोनों शिव कुमारी पहाड़ के हैं। मोनू कुमार, विनोद कुमार शर्मा, अमन कुमार, तीनों पैठनपुरा के हैं। अनिल कुमार का घर महेश मुंडा है। इसके अलावा टुनटुन कुमार और रयान उर्फ मुस्तफा भी है। इसके अलावा रुखसाना खातून, नूरी खातून, सोमा दास, ये तीनों महिला पश्चिम बंगाल की है। बरामद सामान में 600 ml अंग्रेजी शराब, 2 किंगफिशर बियर केन अंग्रेजी शराब एवं बियर का खाली बोतल, 9 मोबाइल और 2150 रुपये नगद बरामद किया गया। छापामारी दल के सदस्य में पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक दुबे देवगुरु, राधेश्याम गुप्ता, महानंद सिंह सहित अन्य महिला एवं पुरुष बल मौजूद थे। एक जैसा हमें पता चला, अभी जांच जारी है, पर हमें जैसा पता चला शायद यह एक जन्मदिन की पार्टी थी और उसमें लोग आकर के और इलीगली शराब का सेवन कर रहे थे। बार डांसर को बुला करके देर रात डेढ़ बजे तक जोर से डीजे बजाना आसपास के लोगों का काफ़ी उससे अक्सर शिकायत भी आती है। कुमार शाह के नाम पे वो कमरा बुक था, उनका ऊंची का बर्थडे ये था जिसमें सब लोग आकर के पर्सन लेते थे। भागलपुर के लहरी टोला स्थित एक स्थानीय धर्मशाला में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भागलपुर पहुंचे। उनकी अध्यक्षता में महानगर जनता दल यूनाइटेड की बैठक की गई, जिसमें सांसद प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के नामांकन के उपरांत लोकसभा चुनाव की आगे की तैयारी को लेकर अहम बैठक की गई। इस बैठक में भागलपुर के जदयू के तमाम पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबों ने आज के बैठक में निर्णय लिया कि चुनाव में अजय मंडल को भारी मतों से विजय करवाएंगे। प्रधानमंत्री के इस बार 400 पार की मुहिम को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, साथ ही अजय मंडल को 400,000 से जीत दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार सुनील कुमार, सांसद प्रत्याशी अजय मंडल, जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी एवं वर्तमान नगर अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष, नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सेक्टर अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्ष मौजूद रहे। भागलपुर लोकसभा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनका सेवक बना और सेवक बनने के बाद माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय ने भागलपुर लोकसभा के विकास में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हम उनके सेवक होने के नाते जो सेवा किया और मैं उन्हीं सेवा को बता रहा हूं जनता के बीच जाकर के भैया मैंने आपका कितना सेवा किया है। उन्हें मुझे मजदूरी देकर के अपना सेवक बनाने का काम, जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और मेरे स्तर पर और सरकार के स्तर पर जो भी बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार आए। स्कूलों में तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सुधार आया है, उसी तरह का सुधार हम लोग प्रयास करके शुरू करेंगे। चुनाव बीत जाने दीजिए और हम इसमें जरूर सफल। कुलपति की बात कुलपति तक नहीं मान रहे हैं, देखिए एक जो यूनिवर्सिटीज है उनका एक सर्टन ऑटोनॉमी, तो शिक्षा विभाग उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, उनको राशन किस तरीके से चलाना है, क्या करना है, ये उनका दायित्व है। सरकार का दायित्व है कि हम लोग करीब करीब सरकार 4,500 करोड़ से ज़्यादा बजट उनका देती है, तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। भागलपुर में IMA वीक के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के साथ IMA के लोगों ने रैली निकाली। रैली तिलकामांझी होते हुए IMA ऑफिस पहुंची। इस दौरान साफ सफाई के अलावा स्वच्छता का संदेश देते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि IMA वीक के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारी संख्या में IMA के लोगों ने हिस्सा लिया और शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। IMA हेल्थ वीक कार्यक्रम जो चल रहा है, सप्ताह दर से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है। सुबह आज मॉर्निंग वॉक के लिए फ्लैग होस्टिंग DIG साहब के द्वारा किया गया
जिसका स्लोगन है इस बार माई हेल्थ माई राइट, और उसके तहत हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करते हैं कि आप अपना हेल्थ को दुरुस्त रखें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। यानी आप जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे आप मस्त नहीं रह सकते हैं, खुशी नहीं रह सकते हैं, और इसके लिए आपको नियमित व्यायाम और अपने ऊपर फिटनेस पर ध्यान देना होगा और खान पान पर परहेज करना होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और डेली आप वॉकिंग करिए। इसी संदेश के साथ आज नौलखा बिल्डिंग से आज तिलका मांझी होते हुए और कचहरी चौक होते हुए आईएमए तक आज गया, और उसमें करीब 500 की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मा कंपनी के स्टाफ, ये लोग सारे लोग इसमें शामिल थे। और आज कार्यक्रम का फिर शाम में आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसके अवसर पर शाम में फिर कार्यक्रम। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुजल फाउंडेशन एवं मणिपाल फिजियोथेरेपी एवं फिटनेस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय फ्री मेगा कैंप का आज समापन हो गया। इस कैंप में रीढ़ की हड्डी संबंधित बीमारियों के कुल 109 मरीज एवं हड्डी रोग, गठिया रोग आदि के 57 मरीजों का मुफ्त चिकित्सीय परामर्श किया गया। आयोजन इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर नई दिल्ली की सहयोग से हुआ, और इसमें स्पाइनल सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर काली दत्ता दास एवं रोबोटिक सर्जन और विभाग अध्यक्ष हड्डी विभाग डॉक्टर दीपक रैना आए हुए थे। स्पाइन से जुड़े, रीढ़ की हड्डी से जुड़े बीमारियों वाले मरीजों की संख्या ज्यादा थी, जिसमें युवा वर्ग जिनकी संख्या लगभग 30 से 40 वर्ष की थी उनकी संख्या अधिक थी। उन्हें कमर दर्द और गर्दन दर्द की शिकायत अधिक देखी गई। इसके बारे में डॉक्टर काली दत्ता दास ने बताया कि बढ़ते उम्र के साथ हमारी हड्डी और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ता जाता है, जिस वजह से हड्डी और मांसपेशियों की ताकत और वर्कलोड में सामंजस्य ठीक से बनाकर रखना होगा, तभी आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ, सुरक्षित और निरोग रहेगी। एक मरीज के सवाल पर कि स्लिप डिस्क में क्या ऑपरेशन कराना जरूरी होता है, इसके जवाब में डॉक्टर काली दत्ता दास ने कहा कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी ही एकमात्र विकल्प होता है, और कई कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि स्पाइनल डीकंप्रेशन थेरेपी के द्वारा भी इलाज किया जा सकता है, जिससे कि आप सर्जरी करने से बच सकते हैं। रोबोटिक सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक रैना ने कहा कि घुटना दर्द, कंधा दर्द, कूल्हे का दर्द, एड़ी का दर्द आदि को अगर शुरू में ही पहचान लिया जाए और मरीज अपनी दिनचर्या ठीक कर ले, अपना पोस्चर ठीक कर ले तथा नियमित व्यायाम करे, तो ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्थोपेडिक सर्जरी और फिजियोथेरेपी एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। इस मेगा कैंप के संयोजक डॉक्टर प्रणव कुमार ने मरीज को गर्दन में क्या क्या परेशानी होती है उसके बारे में विशेष जानकारी दी, तथा उन्हें बताया कि हमारे गर्दन का सामान्य वजन 5 से 6 किलो होता है, अगर उसे 15 डिग्री तक आगे की तरफ झुकाते हैं तो इसका वजन करीब 10 से 20 किलो हो जाता है, अगर 30 डिग्री तक उसे आगे झुकाते हैं तो इसका वजन करीब 20 किलो हो जाता है, और अगर आप 40 डिग्री तक अपने गर्दन को सामने की ओर झुकाते हैं तो आपके गर्दन पर करीब करीब 30 किलो का वजन हो जाता है, जो
गर्दन के दर्द का मुख्य कारण होता है और ये समस्या उन लोगों को हो रही है जो ज्यादा देर तक कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। साथ में बताया कि मणिपाल फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर में नॉन इन्वेसिव रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है और जिन मरीजों को स्लिप डिस्क गर्दन का हो या कमर का हो जिन्हें बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के मार्केटिंग के हेड शैलेश अवस्थी ने बताया कि भागलपुर की जनता बहुत जागरूक है और उनका उत्साह देखकर हम लोगों को लगा कि ऐसा प्रोग्राम और भी भविष्य में करना चाहिए, तो हर महीने इस तरह के कैंप करने के लिए अपने अस्पताल में प्रस्ताव देंगे। मणिपाल फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर में कार्यरत डॉक्टर प्रीति ने कहा कि इस 2 दिवसीय कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और भागलपुर के मरीजों को भी काफी फायदा होगा। अगर इस तरह का आयोजन भविष्य में भी हो तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम के अध्यक्ष लायंस सुधांशु शेखर, रोटरी क्लब ऑफ भागलपुर के सचिव डॉक्टर शंकर, अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ सिंह और जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह का भी प्रयास सराहनीय रहा। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर प्रणब कुमार ने सभी मीडिया बंधु, सभी मरीज, दिल्ली से आए हुए चिकित्सकों, अपने सहकर्मी पंचम आशीष अंचल संध्या का आभार व्यक्त किया और भागलपुर की जनता का आश्वासन दिया कि ऐसा प्रोग्राम वो दोबारा करेंगे। इस आयोजन का विशेष आकर्षण स्पाइनल गैलरी रहा जिसमें की हड्डियों की उत्पत्ति जब शिशु गर्भावस्था में होता है उसके बाद उसका सामान्य संरचना, रीढ़ की हड्डियों के बारे में होने वाली बीमारियों के कारण उनकी बीमारियों एवं उनके उपचार, उचित व्यायाम आदि की पोस्टर प्रेजेंटेशन एवं वीडियो की सहायता से मरीजों को बताया गया ताकि उनमें उन्हें स्वस्थ रहने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डियों कैसे स्वस्थ रखा जाए इसकी विशेष रूप से जानकारी दी गई। कुछ बीमारियों के लिए तो फिजियोथेरेपी का ही इलाज है और कुछ जो इवन स्वस्थ लोग हैं उनको जानकारी बढ़ाने के लिए कि आगे भी वो स्वस्थ रहें फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपी प्राइमरी कांटेक्ट भी होता है मरीज के लिए और अगर वो रिकॉग्नाइज करे कि ये बीमारी अब फिजियोथेरेपी से आगे नहीं चल सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, तो वो एक माध्यम बनते हैं कि आगे वो सर्जन तक बात पहुँचाए। भागलपुर में इस सेंटर पर कई अत्याधुनिक मशीनें हैं तो अब इंडिया लेवल पर इलाज हो रहा है यहाँ पर, ये कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस बढ़ रही है, मरीजों में भी कॉन्फिडेंस आ रही है, कई मरीज ठीक भी हो रहे हैं। फिजियोथेरेपी एक सर्जरी का भी एक अभिन्न अंग है, सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। पर मिलके चले तो ज़्यादा अच्छा है। सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे वहम एंड सुपरस्टिशंस होती हैं, उसी तरह से घुटनों की ऑपरेशन एंड घुटनों की इलाज के साथ बहुत वहम से भी होता है। तो कैंप के माध्यम में 2 चीज़ों की अचीवमेंट होती है कि यस दीज आर सेफ सर्जरीज, इट कैन बी डन, वॉट एवर इज लोकली पॉसिबल विल बी लोकली एड्रेस्ड इफ विथ एक्सरसाइजेस, मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, नॉन इंटरवेंशनल टेक्निक मरीज को आराम मिलता है तो शायद इसको आगे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो कभी वजन के साथ, बदलाव के साथ बॉडी उसका संभाल नहीं पाता है, तो स्ट्रक्चर की बदलाव या सपोर्ट के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन सुरक्षित होती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से ऑपरेशन नहीं भी हो तो भी मरीज ठीक हो सकते हैं, कैसे संभव हो पाए? कुछ चीज़ें हैं जैसे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अगर हड्डी कोई वजन नहीं ले पाता है तो हड्डी को सपोर्ट करना ऑपरेशन के द्वारा ज़रूरत होता है, लेकिन हड्डी और जोड़ों को चलाने की जो क्षमता मांसपेशी रखता है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए गाइडेड फिजियोथेरेपी ज़रूरत होती है। हम लोगों ने देखा कि बहुत दूर दूर से, यहाँ से कि डाल्टनगंज से, पटना के आसपास से, पूर्णिया से, कटिहार से और जमुई से काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर आए और भागलपुर के तो ज़्यादा थे, मतलब जो पेरिफेरियल एरिया में से छोड़ के दूसरे जिला के भी पेशेंट आए, तो हम लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग और भी लोगों को मदद कर पा रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, हम लोगों ने भी एक नया मशीन यहाँ पर लाया है जिसका नाम है नॉन इन्वेसिव रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन थेरेपी। तो जो लोगों को अगर इस स्लिप डिस्क की शिकायत है और कुछ लोगों का ऐसा होता है जिसको जो कि सर्जरी के बिना उसको ठीक नहीं किया सकता, लेकिन कुछ सर्जरी अवॉइडेबल होता है जो कि थोड़े दिन तक उस पर चल सकता है या फिर बाद में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ पेशेंट का ऐसा जो रिफ्यूज़ल होता है जो कि चाहते हैं मेरी सर्जरी नहीं हो, तो ऐसे मरीजों को हम लोग उसे काफ़ी हद तक आराम दे सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ मरीजों को हम लोग सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, अभी हम लोगों ने यहाँ ही शुरू किया है भागलपुर में और वो मशीन को लगने से अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने लगाया है, उसका हम लोग विधिवत अभी इनॉग्रेशन भी हम लोग को करना है आगामी 14 तारीख को।
और लक्ष्य ये है कि जितने लोगों को हम लोग सर्जरी से बचा सकें, जितने ज़्यादा लोगों को, ताकि उनके और उनके लिए उसका खर्चा भी कम लगेगा और उनको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और उनको ऐसे ऑपरेशन के लिए बड़े जगह जाना भी नहीं पड़ेगा। उसमें सर लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, सब लोग काफ़ी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया भी है और उम्मीद है कि हम लोग भविष्य में उनके साथ काम करेंगे और हर महीने या हर दो महीने में जो सर, दोनों सर हैं डॉक्टर साहब वहाँ से दिल्ली से शायद आने का ऐसी हमारी बात चल रही है। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष प्रियरंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी चंद्रभूषण, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी थी। बैठक में सामाजिक राजनैतिक संगठन एवं मुस्लिम समुदाय के बीच मुख्य अतिथि एवं थानाध्यक्ष द्वारा शांति एवं सौहार्द वातावरण में ईद एवं रामनवमी पर्व मनाने की अपील की गई। इस दौरान डीएसपी चंद्रभूषण ने मीडिया को बताया कि ईद एवं रामनवमी पर्व पर आपस में भाईचारा के साथ शांतिपूर्ण मनाए और आचार संहिता को देखते हुए ईद एवं रामनवमी पर्व मनाने की बात कही। इस दौरान राजनीतिक संगठन एवं सामाजिक संगठन एवं वार्ड सदस्य मौजूद थे। आज शांति समिति का बैठक यहाँ सुल्तानगंज में किया गया। सारे जनप्रतिनिधि लोग और समाज के जो भी गणमान्य लोग हैं सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भी मनाया गया है, उम्मीद है कि इस बार भी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। दोनों त्यौहार चूँकि लगातार है तो दोनों को बारी बारी से यही बताया गया कि जैसे टाइमिंग, क्योंकि ईद तो पहले है, रामनवमी अभी बाद में है, पहले फोकस ईद पे है, फिर रामनवमी पे हम लोग का। सब त्यौहार में यही फोकस यही है कि सब शांति से और मिलजुल से मनाएं और हंसी खुशी से मनाएं, यही सब।